कि जिस तरह से पहले चरण में, दूसरे चरण में और अब तीसरे चरण में मतदान हो रहा है, उससे साफ क्लियर है कि एनडीए सिर्फ मेजोरिटी में नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत में आएगी और हमारी ही सरकार रहेगी। नीतीश जी 5 साल की अगुवाई में बिहार सरकार रहेगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक संजय रावत जी का सवाल है, मुझे लगता है कि संजय रावत जी अपनी चिंता ज्यादा करें कि वहां सरकार कितने दिन टिकेगी। जम्मू एंड 35 को लेकर के जम्मू एंड कश्मीर में फिर बहस छिड़ गई है, उसके बीच शिवसेना बीजेपी के साथ इस मुद्दे पर साथ खड़ी नजर आ रही है। देखिए, इस मुद्दे पर पूरा देश एक साथ खड़ा है। जो देशहित में सोचेगा वो 370 और 35 के साथ खड़ा रहेगा, और जो लोग इसकी हिमायती हैं या चाहते हैं कि ये रीइंस्टेट हो जाए, मैं उनसे यही कहूंगा कि 370 बार भी अगर वो जन्म लेंगे तो ये रीइंस्टेट नहीं होगा। इसलिए कि अखंड भारत को एक सबको एक साथ जोड़ने के लिए 370 का जाना जरूरी था, 35 का जाना जरूरी था, और वैसे भी ये टेम्पररी था। जो अगर टेम्पररी चीज़ है उसको तो जाना आज नहीं कल जाना ही था। तो ये अच्छी बात है कि हमारी सरकार ने कोशिश की और ये चला गया और देश पूरा एकजुट हो गया है। कश्मीर के जितने लोग हैं अब पूरे देश में समा गए हैं और पूरे तौर से उनको देश उसमें उनमें समा गया है। तो मुझे लगता है कि जो लोग ऐसे सोचते हैं, फारूक अब्दुल्ला जी की अपनी राजनीति खत्म हो रही है इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। हकीकत तो है कि प्रदेश की जनता वहां जम्मू एंड कश्मीर की 100% सरकार के साथ है, देश के साथ है और चाहती है कि बिल्कुल खुश है कि 370 और 35 वहां से चला गया। बर्निंग के ऊपर किसानों के ऊपर सरकार अत्याचार कर रही है। देखिए, हमारी सरकार चाहे प्रदेश में हो या देश में हो, सेंटर में हो, हमने जितनी चिंता की है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में किसानों के बारे में, जितना चिंता की शायद इतिहास में किसी सरकारों ने नहीं की। भाई, वैसे स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट पड़ी रही, उसमें डस्ट लगता रहा, लेकिन कोई उसके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी चिंता की और एक नहीं अनेक ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए, जैसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर किया और ऐसे बहुत सपोर्ट किया किसानों को, किसान भाई बहनों को, जिससे उनकी आमदनी बढ़े। और हम करते रहेंगे, ये हमारा फर्ज है। सरकार बहुत क्लियर है कि किसान भाई बहनों का आमदनी बढ़ाना है, इसलिए हम ऐसे हर बार ऐसे पॉलिसी लेकर आएंगे जिससे उनकी आमदनी बढ़े।